फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटर के निमोना, जो मटर पीस के बनाई जाती है सब्जी। उसके लिए मैंने मटर ली है। इसको हम एक मिक्सी के जार में डाल के इसका जो है पेस्ट बना लेंगे, फाइन पेस्ट। आप चाहें तो इसको सिल में भी पीस सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। मटर का हमने फाइन पेस्ट बना लिया। मटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। इसके लिए मैंने लिए 2 मीडियम साइज के आलू, जिनको छील के मैंने काट लिया है। 1 मीडियम साइज की प्याज बड़ी सी, 6 से 7 कली लहसुन की। मसाला बनाने के लिए एक जार में डालेंगे प्याज, लहसुन। मसाले में डालेंगे पीसने में काली मिर्च 1 टेबलस्पून। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। प्याज का पेस्ट बनकर हमारा रेडी है। इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून से भी कम हल्दी, गरम मसाला 1 टेबलस्पून। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा ऐड किया, या तो आप काली मिर्च थोड़ी एक्स्ट्रा पीस सकते हैं उसमें, अगर पसंद है तो। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करके रख देंगे। मैंने एक कढ़ाई ली है, कढ़ाई में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। अभी थोड़ा सा ऑयल लिया है, 4 से 5 टेबल स्पून के करीब। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। ये सरसों का तेल है, इसमें डालेंगे हींग 1/2 टीस्पून से भी कम। अब जो हमने मटर पीस के रखी थी, इसको पहले हम इसमें फ्राई कर लेंगे। अच्छे से फ्राई करना है हमको मटर को ऑयल में। ये सब्जी काफ़ी टेस्टी लगती है खाने में, बिल्कुल जैसे चने का निमोना बनता है वैसे ही ये मटर का भी बनता है। काफ़ी अच्छी लगती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें। इसको अच्छे से हम भून लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से। मटर देखिए हमारी अच्छे से भुन गई है, ये बिल्कुल भी कढ़ाई में लगती नहीं है। ये देखिए अच्छे से भुन गई है। हम इसको एक प्लेट में किसी भी बर्तन में इसको निकाल लेंगे। मटर को मैंने सेम बाउल में निकाल लिया है। कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं मसाले के हिसाब से। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया, इसमें डालेंगे हींग 1/2 टीस्पून से भी कम। अब जो हमने मसाला पीस के रखा था उसको हम डाल देंगे। मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे। जब तक इसके ऑयल ऊपर नहीं आ जाता तब तक के लिए हमें मसाला भूनना है। नमक स्वाद के अनुसार, नमक हमने पहले ऐड नहीं किया था, नमक अब ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मसाले को हम 5 से 6 मिनट अच्छे से भूनेंगे, जिससे इसका ऑयल ऊपर आ जाए, इससे अच्छे से खुशबू आने लगे। मसाला हमारा अच्छे से भुन रहा है, इसको बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे, मिक्स करेंगे। देखिए कितने अच्छे से मसाला हमारा भुन रहा है। मसाला हमारा अच्छे से भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया। अब हम इसमें डालेंगे आलू, जो हमने काट के रखे हुए थे, आलू ऐड कर देंगे इसमें। अब हम इसमें इसको जो है मिक्स कर देंगे अच्छे से आलू को। अब जो हमने मटर पीस के रखी थी इसको भी ऐड कर देंगे, मतलब फ्राई करके रखी थी, सॉरी, इसको ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे आलू के साथ, मसाले के साथ, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको 2 से 3 मिनट ऐसे भूनेंगे अच्छे से, अच्छे से भून लेंगे। दो से तीन मिनट हो गए भूनते भूनते हमने इसको। अब हम इसमें डालेंगे पानी, पानी थोड़ा सा डालेंगे जिससे हमारे आलू अच्छे से गल जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी की क्वांटिटी घटा बढ़ा सकते हैं ग्रेवी के हिसाब से, आपको कितनी ग्रेवी चाहिए। अभी तो आलू पकेंगे, आलू पकने में टाइम लगेगा।
इसलिए थोड़ा सा पानी हम अभी इसमें और ऐड करेंगे। अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक के हमारे आलू सॉफ्ट नहीं हो जाते। इसको बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे। सब्जी में देखिए हमारा बॉयल आने लगा है। अब हम इसको ढक के छोड़ देंगे 5 से 6 मिनट के लिए। इसको बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे जब तक हमारे आलू सॉफ्ट नहीं हो जाते मीडियम आंच पे। तो एक बार चेक कर लेंगे। ये देखिए आलू को चेक कर लेंगे, आलू हमारे हुए कि नहीं हुए अभी। आलू हमारे हो गए हैं अच्छे से। इसको इसी में मिक्स कर देंगे। सब्जी बनकर हमारी रेडी है। ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, पानी की क्वांटिटी ये परफेक्ट है। गैस को हम ऑफ कर देंगे। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है सब्जी का। सब्जी बनकर एकदम हमारी रेडी है। अब इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे। सब्जी बनकर हमारी रेडी है। एक बार ज़रूर ट्राई करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।